है एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट्स ऑफ एंजाइम टेक्नोलॉजी के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम के बारे में, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम के बारे में, सोर्सेज जो एंजाइम के हैं उसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम के बारे में, आइसोलेशन ऑफ एंजाइम, यूज ऑफ एंजाइम्स, एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज, यूज ऑफ नैनो पार्टिकल्स इन एंजाइम टेक्नोलॉजी, एंजाइम इमोबिलाइजेशन, सिंगल सीरीज एंजाइम नैनो पार्टिकल्स, इनहांसमेंट एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम को हम डिटेल में पढ़ डालेंगे आज। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैकग्राउंड के बारे में कि भाई एंजाइम जो है वो होता क्या है। जो एंजाइम है वो एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, पर्टिकुलरली जिसका काम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना। तो एंजाइम क्या करता है भैया, एंजाइम जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, लेकिन वो प्रोसेस को बिल्कुल भी नहीं करता है चेंज। दे फुलफिल देयर रोल बाय बाइंडिंग स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स एट देयर एक्टिव साइट। वो अपना काम कैसे करते हैं, वो अपना काम करते हैं स्पेसिफिक साइट से बाइंड करके अपना काम करते हैं। ये पर्टिकुलर रेट ऑफ फ्रिक्शन को बहुत ही गुना बढ़ा देते हैं। एंजाइम टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स। जो एंजाइम टेक्नोलॉजी है उसको हमने कंसर्न किया है एंजाइम की एप्लीकेशन से एज ए टूल ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। एंजाइम टेक्नोलॉजी इज कंसर्न विद एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम एज टूल्स ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। जो वैल्यू है यूजिंग एंजाइम्स अवर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट गाइज। तो गाइज अब हम बात करें एंजाइम टेक्नोलॉजी की। तो एंजाइम टेक्नोलॉजी कंसर्न होती है विद द एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स एज ए टूल ऑफ इंडस्ट्री। जो एंजाइम है हम उसको टूल ऑफ इंडस्ट्री की तरह काम करते हैं, एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। अब जो वैल्यू ऑफ यूजिंग एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन द टेक्नोलॉजी फील्ड इज़ ड्यू टू देयर एफिशिएंसी। जो वैल्यू है एंजाइम की वो बढ़ती जा रही है उनकी एफिशिएंसी के कारण, सेलेक्टिविटी के कारण और स्पेसिफिसिटी के कारण। एंजाइम्स जो होते हैं एबल टू ऑपरेट एट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। एंजाइम को हम बहुत ही सारे टेम्परेचर रेंज में जो है ऑपरेट कर सकते हैं, अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे विद इन नॉर्मल पीएच रेंजेस, ऑल ऑफ विच क्रिएट एनर्जी सेविंग्स फॉर इंडस्ट्री। एंजाइम्स आर बायोडिग्रेडेबल अनलाइक मैनी इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। एंजाइम जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की तरह, इसलिए वो इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म के अंदर तो ये कैटाबॉलिज्म में काम आते हैं, जिसको हम बोलते हैं कट करने में, लाइक दो बड़े मॉलिक्यूल उन्हें अलग अलग करने में, अलग अलग दो बना दिए, दो छोटे छोटे थे उन्हें एक कर दिया, और चेंज करने के अंदर भी एंजाइम का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब आता है व्हाट प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जब सेल की ग्रोथ होती है, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सबस्ट्रेट्स आर कन्वर्टेड टू सेल मास। जब सेल की ग्रोथ होगी, जो न्यूट्रिएंट्स है किसके, सबस्ट्रेट के, वो कन्वर्ट हो जाएगी सेल मास के अंदर। अब जो केमिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। सीधी सी बात है, जब सेल की ग्रोथ होगी, सेल न्यूट्रिएंट्स लेगा, न्यूट्रिएंट्स लेने के बाद वो कुछ केमिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस करेगा, और जो केमिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस होगी उन्हें हम बोलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है गाइस, उन्हें बोलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो हमने बात करी कि सेल ग्रोथ के केस में प्लांट्स जो रिलीज करते हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। अब जो सेल मास है इटसेल्फ कंसिस्ट मेनली ऑफ प्रोटीन। अब सेल मास के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, सेल मास के अंदर आता है प्रोटीन्स, नंबर ऑफ वेस्ट प्राइमरी वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड। द सेल मास इटसेल्फ कंसिस्ट मेनली ऑफ प्रोटीन्स। अब सेल, अगर हम सेल की बात करें तो सेल के अंदर प्रोटीन्स है, नंबर ऑफ प्राइमरी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी बनते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, लैटिक एसिड है, इथेनॉल है, ये सब बनेंगे। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस इन पैरेलल विद द सेल मास। अब प्राइमरी मेटाबोलाइज्ड बनते कैसे, वो सेल मास के साथ साथ ही प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है, जैसे सेल मास बढ़ेगा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है बढ़ते जाएंगे। ठीक है गाइस, इसके अंदर हम देख सकते हैं बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का काम करते हैं। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, आपको ये जो फोटोग्राफ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये फोटोग्राफ जो है थैंक्स टू एनसीईआरटी के अंदर भी फोटोग्राफ आपको एज इट इज़ मिल जाएगी। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो फॉर्मेशन है मेटाबोलाइट्स की इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि सेल मास बढ़ेगा तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट बढ़ेगा, वो तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर होता था कि अगर सेल का मास बढ़ रहा है तो प्राइमरी मेटाबोलाइट की संख्या भी
बढ़ जाएगी। अगर हम बात करें सेकेंडरी मेटाबोलाइट की, दे आर द साइड प्रोडक्ट्स ऑफ बैक्टीरियल लाइफ। जो बैक्टीरिया है उसकी लाइफ है, उसका साइड प्रोडक्ट है, वो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इन नेचर दे आर प्रोड्यूस्ड इन लो कंसंट्रेशन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस्ड होते हैं, बट थ्रू लेबोरेटरी म्यूटेशन एंड सिलेक्शन सेल्स कैन बी ऑप्टिमाइज टू ओवर प्रोड्यूस दिस मेटाबोलाइट। सेल्स को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि वो ये मेटाबोलाइट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, विटामिन्स हैं, जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कार्य करते हैं। तो गाइस, हम किसकी बात कर रहे हैं? बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, विटामिन्स हैं, जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का काम करते हैं। जो फॉर्मेशन है सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी मेटाबॉलिज्म एंड सेल ग्रोथ। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है उसका बिल्कुल भी लिंक नहीं है प्राइमरी मेटाबॉलिज्म से, प्राइमरी मेटाबोलाइट से और सेल की ग्रोथ से। ऐसा नहीं है कोई सेल की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट ज़्यादा होगा। हाँ, लेकिन अगर सेल की ग्रोथ ज़्यादा है तो ये बात ज़रूर इंडिकेट करता है सेल की ज़्यादा ग्रोथ कि उस सेल के अंदर प्राइमरी मेटाबोलाइट की संख्या ज़्यादा होगी। आप इस फोटोग्राफ के अंदर देख सकते हैं बहुत आसानी से कि पिगमेंट जैसे कि कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन पिगमेंट है, अल्केलॉइड के अंदर मॉर्फिन, कोडाइन है, टर्पिनॉइड्स है, ये कुछ असेंशियल ऑयल्स, टॉक्सिन, लैक्टिन्स, ड्रग्स, पॉलीमेरिक सब्सटेंस, तो दिस आर द लिस्ट ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। गाइस, अब आता है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम टेक्नोलॉजी के बारे में कि अगर हमें एंजाइम्स की प्रोडक्शन करनी है तो हमें क्या क्या टेक्निक्स जो है वो अप्लाई करनी है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को हम हजारों सालों से यूज़ करते आ रहे हैं हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे कि वाइन, बियर, विनेगर, सोया सॉस, ब्रेड एंड चीज़। माइक्रो ऑर्गेनिज़म जैसे कि यीस्ट आर रियली यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एंजाइम ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ दिस प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं नाउ मेक यूज ऑफ प्योर सोर्सेज ऑफ एंजाइम। एंजाइम हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बिफोर यूज। अब है स्ट्रक्चर कैसा होता है एंजाइम का, साइज क्या होता है एंजाइम्स का। सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होते। एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो उनके अंदर एक प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। जो एंजाइम्स में प्रोटीन पार्ट होता है गाइज, हम उसको बोलते हैं एपो एंजाइम। जो एंजाइम्स में प्रोटीन पार्ट है उनका नाम होता है एपो एंजाइम्स, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं को एंजाइम्स और को फैक्टर। नॉन प्रोटीन पार्ट में हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली, को एंजाइम्स एंड को फैक्टर। को एंजाइम्स जो होते हैं वो विटामिन्स होते हैं, को फैक्टर्स जो होते हैं वो मिनरल्स होते हैं। अगर हम बात करें साइज की तो एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स विथ थ्री डायमेंशनल शेप। साइज इनका रहता है 62 अमीनो एसिड रेजिड्यू टू ओवर 2500 इन एनिमल फैटी एसिड सिंथेस। मॉलिक्यूलर मास रहेगा 12 किलो डेल्टन टू 1000 किलो डेल्टन। अब एंजाइम्स का मैकेनिज्म क्या है, जैसे कि लॉक एंड की हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें, एंजाइम्स के बाद बहुत सारी स्पेसिफिकली शेप है, एक्टिव साइट से रिएक्ट करने के लिए विद वन सबस्ट्रेट, देयर बाय जनरेटिंग, क्या जनरेट करता है ये, प्योर प्रोडक्ट्स फ्री फ्रॉम अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स। अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करें एंजाइम्स को, तो एंजाइम्स अपना एक्शन शो कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के एक्टिव साइट पे जुड़ेगा। जो सबस्ट्रेट है उसकी शेप, अगर वो जुड़ेगा तो उसकी शेप कंपैटिबल होनी चाहिए एंजाइम के एक्टिव साइट से। एंजाइम क्या करेगा, मॉडिफाइड कर देगा सबस्ट्रेट को, इसके अंदर सबस्ट्रेट ब्रोकन डाउन हो जाएगा और रिलीज हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। एंजाइम पोजेसेस स्पेसिफिकली शेप्ड एक्टिव साइट इसके लिए रहती है, जो वो रहती है। अगर हम बात करें कि बायोटेक्नोलॉजिकल पर्पस क्या है एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने का, तो बहुत सारी पर्पस है। बायोटेक्नोलॉजिकल पर्पस बहुत सारे हैं कि हमें किसी भी रिएक्शन को फास्ट करना हो तो हमें एंजाइम्स की नीड है। अब हम बात करेंगे प्रोसेसेस की, हमें क्या क्या प्रोसेस चाहिए। तो सबसे पहले हमें करना है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मीनिंग होता है चूजिंग एन
अप्रोप्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द डिज़ायर्ड एंजाइम। जो भी हमें एंजाइम प्रोड्यूस करना है उसके लिए हमें अप्रोप्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नीड है। अगर वो अप्रोप्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, स्क्रीनिंग करनी है, चूज करना है अप्रोप्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी डिज़ायर्ड एंजाइम के लिए। स्क्रीनिंग कर ली हमने, चूज कर लिया एंजाइम, उसके बाद हमें करनी है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन तभी पॉसिबल है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, ताकि हम किसी भी माइक्रोबियल स्ट्रेन को इम्प्रूव कर सके अपने अकॉर्डिंग कि हमें किस टाइप का एंजाइम चाहिए। देन जुड़ेगा उलेगा लैबोरेटरी स्केल पायलट, कि हमें क्या डिटरमाइन करना है, ऑप्टिमम कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, तो हमें क्या चाहिए, लैबोरेटरी स्केल पायलट पेन स्मॉल स्केल फर्मेंटर चाहिए, ताकि हम ऑप्टिमम कंडीशन दे सके, हम अपना प्रोडक्ट जो है वो बना सके। अब कमर्शियल एंजाइम प्रोडक्शन का एग्जांपल आपको दिया जाता है पैक्टिनेज, जो कि फंगस एस्परगिलस निगर से ऑप्टेन की जाती है। एस्परगिलस जो निगर है वो प्रोड्यूस करता है पैक्टिनेज एज एन एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब अपने सेल के बाहर वो इसको प्रोड्यूस करता है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल करेक्टरिस्टिक्स की, तो हम बात करेंगे डिग्री ऑफ मिथाइलेशन क्या है, डिग्री ऑफ बायोस्काइनेसिस क्या है, डिग्री ऑफ एब्सोल्यूट बायोस्काइनेसिस क्या है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है पैक्टिन का जो हम सिलेक्शन। अब प्रोडक्शन ऑफ पैक्टिनेस कर लिया, पैक्टिन जो होता है वो इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है और पैक्टिन पाया जाता है सेल वॉल ऑफ प्लांट के अंदर। अगर हम बात करें ड्रिंक इंडस्ट्री के अंदर, जूस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्रूट अपीयर्स क्लाइडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैक्टिनेस जो है एक एंजाइम है जो हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री से, ताकि जो पैक्टिन है उसको तोड़ा जा सके। तो पैक्टिन का काम क्या है, पैक्टिन एक एंजाइम है जो हम यूज़ करेंगे इंडस्ट्री में टू ब्रेक डाउन द पैक्टिन। इफेक्ट जो है पैक्टिनेस का इज टू क्लेरिफाई द फ्रूट जूस एंड टू मेक इट फ्लो फ्रीली, ताकि वो फ्रीली जो है मूव कर सके। तो गाइज हमने कमर्शियल एंजाइम प्रोडक्शन के बारे में देख लिया, नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।